उत्तराखंड क्रांति दल की गरुड़ इकाई की बैठक में बेरोजगारी, पलायन, जंगली जानवरों के आतंक जैसे मुद्दों पर गहन मंथन किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन के केंद्रीय उपाध्यक्ष ब्रह्मानंद डालाकोटी व जिलाध्यक्ष हीरा वल्लभ भट्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनता की अपेक्षाओं में खरी नहीं उतर पा रही है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, साथ ही महंगाई चरम पर है। जंगली जानवरों के आतंक के कारण किसान भी खेती से मुंह मोड़ रहा है। सड़कों की स्थिति बेहद खराब होने के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड क्रांति दल ने चेतावनी दी है कि यदि जनता से जुड़ी समस्याओं का निदान नहीं किया गया तो संगठन जनता के साथ आंदोलन करेगा। बैठक का संचालन खड़क सिंह दुसाद ने किया। उत्तराखंड क्रांति दल की गरुड़ इकाई की बैठक यहाँ पर संपन्न हो चुकी है। हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए थे और हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष और इस जिले के प्रभारी आदरणीय डालाकोटी जी, ब्रह्मानंद डालाकोटी जी भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। हमारे जिले से हमारे एडवोकेट ओम तिवारी जी, महामंत्री जो जिला महामंत्री हैं, वो भी पहुँचे हुए थे। और यहाँ पर बच्ची लाल जी जो आज इन्होंने सदस्यता दिलाई प्रत्याशी के रूप में, वो भी हमारे बीच में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सभी ने यहाँ पर एक स्वर में कसम खाई है कि हम उत्तराखंड क्रांति दल को 2022 के चुनाव में अवश्य जो है जीत हासिल करेंगे। उसके लिए सारे लोगों ने यहाँ पर संकल्प लिया है और सभी लोगों ने एकजुटता से जो है गांव-गांव घर-घर जाने का जो है यहाँ पर रणनीति बनाई हुई है। तो आगामी 3 तारीख को बागेश्वर में एक जनपद स्तरीय बृहद उत्तराखंड क्रांति दल का जनपद स्तरीय सम्मेलन जो है होने जा रहा है और उसके बाद जो है हम प्रत्येक बूथ स्तर पर जो है अपने कार्यकर्ताओं की तैनाती और 2022 के चुनाव की रणनीति के संबंध में आगे की चर्चा वहाँ पर होगी। सीसीएन न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।